बारिशों से तबाही के बाद सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम, पूरे कराची समेत सिंध के 20 अजला आफत सदा करार। हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सजावल, जामशोरो और टंडो मोहम्मद खान में भी इमरजेंसी। टंडो लाहियार, मटियारी, दादू, मीरपुर खास और थरपारकर के डिप्टी कमिश्नर्स को भी नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत। बारिश हुए तीसरा रोज, मसाइल जूं के तूं। कराची में हर तरफ गंदगी, कई इलाकों में पानी की निकासी भी ना हो सकी। कीचड़ से ताफन, शहरियों को दीद मुश्किलात, बीमारियां फैलने का भी खदशा। कोरंगी क्रॉसिंग से खातून और मर्द की लाशें बरामद, मुशर्रफ कॉलोनी से मिलने वाली लाश भी अस्पताल मुंतकिल। पहले बारिश से नुकसान, अब नया इम्तिहान, कराची वाले शदीद परेशान। के इलेक्ट्रिक के अक्सर सब स्टेशन जेरे आप, शहर के बेशतर इलाकों में दो रोज से बिजली बंद। डिफेंस, आईआई चंद्रगढ़ रोड, महमूदाबाद, चनेसर कोट मुतासर, शाह फैसल, आसम बस्ती और दीगर इलाके भी महरूम। वजीर आला सिंध के इलेक्ट्रिक ऑफिस पहुंच गए, लोग मुजाहरे कर रहे हैं। ये कौन सी सर्विस है जो इतने घंटे बाद भी बिजली बहाल नहीं कर सकी। शहरियों को कानून हाथ में लेने पर मजबूर ना किया जाए। मुराद अली शाह। शहर कायद के पोश इलाके भी मसाइल का गढ़, क्लिफ्टन की सड़कें और अंडरपास अभी तक जेरे आब। पीसीएचएस सोसाइटी की गलियों में भी पानी ही पानी। लाइंस एरिया में सीवरेज उबल पड़े, बारिश के पानी में बेटी का जहेज डूब गया, बूढ़ा बाप बेबसी की तस्वीर। इतना टैक्स कंटोनमेंट को हम लोग देते हैं, क्या हुआ, कहां जा रहा है वो? एक इतना सा बम दे दिया उठा के, इतना पानी, सारा बिटाई के लिए का सारा पानी यहाँ आ रहा है। आप देखें, ये तो और हम भी कल बनना मानते हैं तो आपको ये सारा डूबा हुआ नजर आता। तो लाइफ मेरी गुजारिश है, ये पता नहीं क्या हो कि मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, गवर्नमेंट नाम की चीज है या नहीं है। कराची में सैलाबी सूरत हाल, पाक आर्मी और नेवी की इमदादी कार्रवाइयां जारी। शहराए फैसल पर अंडर पास क्लियर, कई इलाकों से निकासी आप के इकदाम। मोबाइल टीमें भी मुतहरिक, मुतासरीन में राशन तकसीम। कराची के जिला जनूबी से पानी की निकासी ना हो सकी। वजीर आला सिंध मुतालिका इदारों पर बरहम, रिपोर्ट तलब। के एम सी का अर्बन डिजास्टर रिस्पॉन्स यूनिट भी मुतहर्रिक नजर नहीं आया। तमाम गलियां साफ चाहिए। मुराद अली शाह की वार्निंग। शहरियों की मुश्किलात का मुकम्मल इदराक है, सिंध हुकूमत से मिलकर कराची के मसाइल हल करेंगे। नालों की मुकम्मल सफाई और तजावजात भी खत्म की जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। वजीर आजम इमरान खान कराची जाएं, मसाइल का तायुन करें। अक्सर लोग शहर के बजाय हाथ की सफाई को तरजीह देते हैं। हमेशा इख्तदार और इख्तियारात का रोना रोया गया। चौधरी शुजात हुसैन की तनकीद। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो मुल्क से तशरीफ ले गए थे इस बुनियाद पर कि उनकी तबीयत नासाज है और उनकी जान को खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी जान खतरे में दिखाई नहीं दे रही, आज उनकी सेहत बहाल दिखाई दे रही है। जो शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी की थी उस वादे को निभाते हुए, अपने कॉल और फेल पर कारमंद रहते हुए, उन्हें किसी हकूमती अहकाम का इंतजार नहीं करना चाहिए, अखलाकन खुद वापस आ जाना चाहिए। कराची में सालहा साल से मनसूबाबंदी का फुकदान सामने आ गया। मसाइल के हल की बुनियादी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर, खुद ही वापस आ जाएं। वजीरे खारजा शाह महमूद कुरैशी। कराची समेत सिंध भर में तीन रोज तक मजीद बारिशों की पेशगोई। बलूचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसने का इम्कान। सैलाबी सूरत हाल का खदशा, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया।
डैमों में पानी जखीरा करने की गुंजाइश खत्म, दरिया और नाले बिफर गए। दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब, चिन्योट में 25 आबादियां डूब गईं। उत शरीफ में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी जेरे आब, नाला एक में तोहियानी, सम्बड़ियाल के नवाह में पानी ही पानी। दरियाए सिंध में भी गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, सखर में 20 देहात मुतासर, 24 घंटों के दौरान पानी की सतह मजीद बुलंद होने का खदशा, लोगों की नकल मकानी। मंचर झील में पानी की सतह 18 फीट तक पहुंच गई, दरवाजे टूट गए, सेहवन के कई इलाके जेरे आब। स्वात के इलाके शाहगराम और तैराब में सैलाबी रैले से तबाही, बह जाने वालों की तलाश जारी, रेस्क्यू टीमों ने मजीद 3 लाशें निकाली, हलाकतों की तादाद 8 हो गई। महंगाई के मारे आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, 1 सितंबर से कीमतों में 8 रुपए फी लीटर तक इजाफे की तजवीज, ओग्रा ने समरी भिजवा दी, वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से हतमी फैसला करेगी। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 9 मुहर्रम का जुलूस, रिवायती रास्तों पर गामजन, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, नजर व न्याज का भी अहतमाम, कई मकामात पर मोबाइल सर्विस बंद। वजीर आला पंजाब की लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट आमद, यौम आशूर की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा, मॉनिटरिंग रूम का भी दौरा, सूबे भर में मजालिस और जुलूसों की जियो टैगिंग की गई है, उस्मान बुज़दार की गुफ्तगू। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार को गुसल देने की तकरीब, गवर्नर पंजाब और दीगर की शिरकत, बुजुर्गाने दीन की तालीमात अमन और भाईचारे को फरोग देती हैं, चौधरी सरवर की मीडिया टॉक। सेनेट इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली का फैसला, वफाकी काबीना ने सीक्रेट बैलेट खत्म करने की मंजूरी दे दी, इंतखाबात सिंगल ट्रांसफरेबल ओपन वोट के जरिए होंगे, कास्ट किए गए वोट से रुकने असेंबली और उम्मीदवार का पता भी चल सकेगा। कोरोना की शिद्दत में वासे कमी, 24 घंटों के दौरान सिर्फ एक मौत, 319 नए मरीज रिपोर्ट। और आवाज हमेशा के लिए खामोश, लोक गुलकार शफाउल्ला रोखड़ी दिल का दौरा पड़ने से चांबहक, मियावाली में तकफीन की तैयारियां। मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी खदशात, पाक अफगान बॉर्डर अंगूर अड्डा गेट 2 रोज के लिए बंद, जुनूबी वजीरिस्तान के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी सिक्योरिटी सख्त। अस्सलामु अलैकुम, दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं आमना सचार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन के आगाज में खबर यह है कि सिंध हुकूमत ने सूबे के 20 अजला को आफत जदा करार दे दिया है, कराची के भी 6 अजला आफत जदा करार दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को नुकसान का अंदाजा लगाने की हिदायत की गई है, जबकि महकमा आपाशी के माहरीन और KMC नकासी आपका काम कर रही है। वजीर आला सिंध ने अपनी गुफ्तगू में ऐसा बताया। वजीर आला सिंध ये भी कहते हैं कि शहर के दौरे के बाद हिदायत दी है, इरीगेशन माहरीन और KMC वाले DHA भेज रहे हैं, कराची बशमूल DHA को आफत जदा करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहर के दौरे के बाद जरूरी हिदायत दे दी है, तो इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा ये देखते हैं। हुकूमत काम कर रही है, लोगों की मुश्किलात का एहसास है, लोगों की दुख में हम उनके साथ हैं। जैसे आपने कहा कि आफत ज़दा करार दिया है, उनकी रिलीफ के लिए भी इंशाल्लाह ताला कुछ करेंगे। इस वक्त मैं निकला हुआ था, जो मेजर इश्यूज़ थे, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कुछ बेहतर है, मेन रोड्स पे एटलीस्ट पानी नहीं है, जो नशेबी इलाकों में पानी थोड़ा सा है। के इलेक्ट्रिक वालों से पूरी ब्रीफिंग भी ली, उनको पूछा कि उनको क्या मदद चाहिए। मेजर प्रॉब्लम तो ऑब्वियसली पानी का है जो निकल जाए, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो ताकि वो घरों के अंदर जितने कंफर्टेबल रह सकें। जो मैंने के इलेक्ट्रिक को ख़ास तौर पर कहा है कि जो कच्ची आबादियाँ हैं
गिजरी के एरिया में, काला पुल के एरिया में अभी तक पानी, अभी तक बिजली नहीं आई है, उसको प्रायोरिटी पर रिस्टोर करें। लोगों से ये कहूँगा कि तावन करें। एक काफ़ी लोग जो बिजली ना होने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और घरों से बाहर निकले, मैं उन्हें यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है प्रोटेस्ट, और मैं समझता हूँ उनकी तकलीफ, लेकिन इस प्रोटेस्ट से, और ख़ासतौर पे अभी मैं आते हुए मुझे बताया कि जी के इलेक्ट्रिक की कुछ गाड़ियों को घेर लिया है क्लिफ्टन के करीब। Hi, it's Sayyeda Shinaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.